अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुमायूं अहमद खान है। हम अपकट के लिए एक और वीडियो करने लगे हैं। अपकट इज अ न्यूज प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम दुनिया जहाँ की हर तरीके की खबर कवर करते हैं, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, हेल्थ हो, एंटरटेनमेंट हो। तो अपकट पे आपको हर तरीके की न्यूज मिलती है अपकट। कल पाकिस्तान क्रिकेट में एक बड़ी डेवलपमेंट हुई। मोहम्मद हफीज ने, पाकिस्तान के वेटरन ऑलराउंडर, उन्होंने अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट को खैराबाद का, तो उस हवाले से आज हमसे बात करने के लिए हमारे साथ अब्दुल गफार मौजूद हैं। अब्दुल गफार डॉन टीवी पे अपना शो भी करते हैं रिप्ले, और आज वो हमसे एज एन एनालिस्ट इस पे बात करेंगे। जी गफार भाई, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम भाइयों, बहुत बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर न्यू प्रोजेक्ट। थैंक यू। अच्छा गफार भाई, कल हफीज ने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की, तो उस डिसीजन को कैसा देखते हैं आप? भाई देखिए, सबसे पहले तो खुशी ये हुई कि एक क्रिकेटर कदाफी स्टेडियम में बैठकर, जहां पे क्रिकेट के मुस्तकबिल के, क्रिकेटर्स के फैसले होते हैं किस्मत के, वहीं बैठकर उसी तरह जिस तरह कैप्टन पाकिस्तान के ब्लेजर में होता है, पीसीबी की टाई लगी होती है, एक उसका बड़ा माशाल्लाह एक पुरवकार अंदाज से उन्होंने अपने आप को रुखसत किया। आई थिंक लर्निंग्स हैं हमारी इस पूरे प्रोसेस में, क्रिकेटर्स के लिए भी और पीसीबी के लिए भी। अगर पीसीबी अच्छी कम्युनिकेशन रखेगा सीनियर खिलाड़ियों से भी, तो सीनियर खिलाड़ियों को खुद भी अंदाजा हो जाता है कि, और हफीज ने मेरे ख्याल में पहल की है, ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने खुद रियलाइज कर लिया कि शायद अब उनकी टीम में जगह उतना नहीं बन पाएगी। यंगस्टर्स भी आ गए हैं, कुछ उन्होंने कहते हैं ना नवस्ता दीवार पढ़ लिया कि आगे का जो अब प्लान क्या हो सकता है। बट स्टिल मैं कहूंगा कि हफीज को हम ये जरूर कह सकते, चाहते तो शायद वो खेल सकते थे थोड़ा और 6-8 महीने या अगले वर्ल्ड T20 तक, लेकिन जिस अंदाज से उन्होंने तरजीह दी कि वो ग्रेसफुली एग्जिट करें, रिटायरमेंट ले लें, आई थिंक ये एक अच्छी मिसाल कायम हुई है। और आई रियली होप कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यहाँ पर इस चीज़ को कंटिन्यू रखेगा। चेयरमैन भी देखें, आपके साबिक कप्तान हैं, खुद क्रिकेटर हैं, और मुझे लगता है कि उन्होंने अपने लिए भी एक बहुत अच्छी नेकनामी की है कि लोग उनको इस बारे में याद रखेंगे कि चलेंगे सिलसिला एक क्रिकेटर के दौर में जब वो चेयरमैन पीसीबी से शुरू हुआ। अच्छा, मैं आपसे यही सवाल करने लगा था, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट में एक बड़ा हमारा क्रिकेट का एक डिलेमा है ये कि हमारे सुपरस्टार्स जितने भी हों वो कभी ग्रेसफुली एग्जिट नहीं किया, तो हफीज के जो एग्जिट करने का जो तरीका था, एक्चुअली हफीज ने अपनी टर्म्स पर खुद क्रिकेट को खैराबाद किया, तो आपको लगता है ये बड़ा अच्छा प्रेसिडेंट सेट किया उन्होंने? बिल्कुल, देखें मैं समझता हूँ आपने बिल्कुल ठीक निशानदेही की हुमायूं, मुझे 14 साल हो गए जर्नलिज्म करते हुए, और कल जब ये हफीज की रिटायरमेंट हुई तो मैंने अब्दुल माजिद भट्टी साहब को फोन किया, सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट याकूब साहब हैं हमारे डॉन अखबार के, उनको फोन किया। मैं पूछ रहा था, भाई आपको याद है कि कदाफी स्टेडियम में आखिरी मरतबा इस तरह किसी क्रिकेटर ने कब रिटायरमेंट ली थी? एंड कैन यू बिलीव कि उनको किसी को सही तरह याद भी नहीं आ रहा था, क्योंकि ऐसा हुआ ही नहीं कभी। इंतजाम उलग ने फेयरवेल टेस्ट खेला था, इसी तरह शुएब अख्तर की रिटायरमेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने अटेंड की थी, वो वर्ल्ड कप में हुई थी प्रेमदास स्टेडियम कोलंबो में, और एक यूनस खान ने, भाई आप भी शायद उसमें मौजूद थे, जो कराची में उन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की थी। इट्स अ वेरी रेयर थिंग टू हैपन। मिसबाह उलग भी बहरहाल अच्छे तरीके से गए थे, लेकिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसा नहीं हुई थी, उन्होंने एक टेस्ट मैच आखिरी खेला था एंड देन वो और यूनस खान गए थे। सो दो बातें मुझे हमारी इसमें नजर आ रही हैं, एक तो ये कि अगर आपकी परफॉर्मेंस टीम की अच्छी हो, यंगस्टर्स थोड़ा सा आपको लग रहा हो कि बेहतर हो रहे हैं, आपका कम्युनिकेशन भी साथ साथ ठीक चल रहा हो, तो फिर ये सारी चीजें अच्छी लगती हैं। देखो कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई, कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं चली कि कोई बहुत फड्डा हो गया या जैसे मोहम्मद आमिर के मामले पर हुआ था। लेकिन दूसरी जाने में ये जरूर कहूंगा कि हमें अभी भी, मुझे लगता है कि अगर आप देखें तो एक कंसर्न, मैंने कल भी शो किया था जगह में टीवी बात कर रहा था कि हफीज, शेख मलिक, इवन मिसबाह उल हक और इवन अभी सरफराज भी कुछ अर्से तक, देखिए हम इन सब के ऊपर डिपेंड इसलिए कर रहे होते हैं कि हमारे पास नया टैलेंट उस तरह का नहीं आ रहा होता, हमारे यंगस्टर्स को भी सोचना है। अगर आप देखें तो हफीज अब तक भी सुपर फिट हैं, शेख मलिक भी सुपर फिट हैं, बट क्या किसी और यंग क्रिकेटर के लिए आप कह सकते हैं? ठीक है, पैसेज ऑफ टाइम आपका लगता है, लेकिन याद रखिएगा कि हम इन पर जरूरत इसलिए करते रहे कि हमारे पास रिप्लेसमेंट नहीं बन रही थी या बनाई नहीं गई। तो अच्छी बात है, चले हमने एटलीस्ट इस चीज का जो है वो कोई मामला शुरू किया है, और मुझे लगता है कि इसको फॉलो किया जाना चाहिए। और मोहम्मद वसीम खुद भी सिलेक्टर जी सड़े यंग हैं, रिलेटिवली ऑब्वियसली क्रिकेटर के सारे बातों को समझते हैं, तो मुझे लगता है कि उनको भी यह क्रेडिट जाता है कि आप अच्छी कम्युनिकेशन करें। अच्छा, मेरा अगला सवाल आपसे था कि डू यू थिंक बेस्ड ऑन हिज करंट फिटनेस एंड फॉर्म हफीज नेक्स्ट ईयर तक खेल सकते थे? यार मेरे ख्याल में खेल सकते थे, उसकी वजह यह है कि अगर आप देखें तो वो अभी भी लीग क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं, जैसे कि BSL में लाहौर कलंदर्स के लिए खेलेंगे, और आई एम श्योर कि जहां जहां दुनिया में लीग होगी हफीज अगर फुली अवेलेबल है तो वो एक हॉट केक है, वो परफॉर्मेंस उनकी अच्छी है तो जरूर होगा।
मुझे ये लगता है हुमायूं, एक और फैक्टर भी, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत सारे क्रिकेटर ऐसे भी हैं, शायद वो इसलिए पाकिस्तान से रिटायरमेंट अनाउंस नहीं करते क्योंकि लीग में भी उनको रिटायर ना समझा जाए, तो ये भी एक है। देखिए क्रिकेटर्स की आपको मेंटेलिटी को समझना पड़ेगा। हफीज चूंकि मुझे लगता है कि अपने आप को इतना स्टैब्लिश कर चुके थे हुमायूं कि उनको शायद रिटायरमेंट लेने के लिए प्रॉब्लम नहीं हुई, उन्होंने सोचा। देखिए एक और चीज भी है भाई, अब ये कहते हैं ना खुली किताब की तरह है, रमीज राजा का एक स्टांस रहा है सीनियर क्रिकेटर्स के ऊपर लिमिटेड ओवर्स के अंदर, अब वो चेयरमैन है, तो हफीज ने भी इस चीज का अंदाजा लगा लिया होगा कि बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज हो या अब जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ होम सीरीज थी उसमें उनको नहीं पिक किया गया। देखिए शेख मलिक की तो वर्ल्ड कप में एक बड़ी धुआंधार 50 मौजूद है, वो तो अभी भी एक स्पार्क दिखा चुके हैं, उनका स्पार्क मुझे लगता है कि शायद, मेरी अपनी जाती राय में, चाहे अगर शेख मलिक रिटायर होते तो मैं हफीज के लिए कहता, अब हफीज हुए हैं तो मैं शेख मलिक के लिए कह रहा हूँ कि यूनुस मिसबाह ने जब 60 टेस्ट क्रिकेट छोड़ी थी वही, आपको याद है हमें कितना प्रॉब्लम हुआ, हम न्यूजीलैंड से भी हारे, श्रीलंका से, यूई के अंदर भी हारने लग गए थे कि हमारे पास वो स्टेबिलिटी नहीं आई थी। आई स्टिल फील कि शुएब मलिक को जो है वो थोड़ा सा रुकना चाहिए, और उनके रुकने का हमें फायदा ही होगा कि हैदर, खुशदिल, इसी तरह आपके इफ्तिखार हो गए, या आपके पास जो नीचे आसिफ अली हैं, इनके पास कोई एक ऐसा प्लेयर हो जो उनको भी गाइड कर रहा हो। हमने देखा कि दोनों मरतबा आसिफ अली ने जब अच्छी इनिंग खेली तो शुएब मलिक उनके आसपास मौजूद थे, और ये चीज बड़ा काउंट करती है प्रेशर सिचुएशन में, आपको कोई एक एडवाइस काम आ जाती है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि हफीज चाहते तो वो खेल सकते थे, बट यही अच्छी बात है कि आप उस नोट पे फिनिश करें, जैसे शुएब अख्तर ने भी जब रिटायरमेंट ली थी 2011 वर्ल्ड कप के दौरान मिडवे में, तो वो खेल सकते थे शायद, लेकिन अब आप जब अंदाजा लगा लेते हैं ना कि मेरी बॉडी फिजिकली, मेंटली, या जो हालात भी हैं क्रिकेट बोर्ड के, या जो अब सिलेक्शन के मामले आते हैं वो मेरे हक में नहीं जा रहे, आई थिंक ये बेहतर है। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना कि थोड़ा सा खाना छोड़ दें ताकि ये भी सेहत के लिए अच्छा होता है, तो मेरे ख्याल में ये भी अच्छा ही है कि आप जो है ना वो थोड़ी क्रिकेट छोड़ के ही जाएं, तो ये मुझे लगता है लोग ज्यादा अच्छे तरीके से याद करेंगे। अच्छा, एक सवाल मेरा मैं आपसे करना चाह रहा था। इवन दो कल हफीज ने इस क्वेश्चन को प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिनाई किया बिल्कुल, बट आपको लगता है कि रमीज राजा के चेयरमैन होने की वजह से भी हफीज के इस डिसीजन लेने में हफीज ने शायद थोड़ा सा ये किया हो कि अगर वो डिसीजन बाद में लेना चाहे, क्योंकि आप चेयरमैन रमीज राजा साहब बन गए तो उन्होंने कहा कि यार इससे पहले कि टीम से बाहर किया जाए खुद इज्जत से रिटायरमेंट ले लो, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये डिसीजन मोटिवेटेड था बाय दिस थिंग के चेयरमैन जो है रमीज राजा साहब। हाँ बिल्कुल, वन ऑफ द फैक्टर जरूर है, क्योंकि हम समझते हैं, हम सबको पता है कि इसका कॉन्टेक्स्ट है, सब आपको पता है उनके बयान मौजूद हैं, उनके ट्वीट्स मौजूद हैं, फिर इसी तरह जवाबी ट्वीट्स मौजूद हैं। लेकिन एक चीज, क्रिकेटिंग अगर हम चीज से इसको देखें तो एक वर्ल्ड कप खत्म हुआ, और आपके सीनियर खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस की बेस पर आप अगले वर्ल्ड कप की तैयारी करते हो। शायद अगर 2 साल का फर्क होता तो हफीज शायद थोड़ा सा और खेलते और वो देखना चाहते, लेकिन वर्ल्ड कप दूसरा सर पे खड़ा है, और पाकिस्तान के सिलेक्टर्स ने बांग्लादेश में और वेस्ट इंडीज की सीरीज में एक हिंट आपको दे दिया कि वो यूथ की तरफ जाना चाहते हैं। दूसरा हुमायूं, आई थिंक ये कहने में मुझे हर्ट नहीं होना चाहिए, हालांकि हफीज तो खैर खेल लेते हैं फिर भी कट और पुल, लेकिन अगला वर्ल्ड कप होना भी ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ पे कुछ विकेटें भी डिफरेंट होंगी, तो वहां पे मुझे लगता है कि आपके यंगस्टर ही ज्यादा जितने चले जाए तो बेहतर है, रिफ्लेक्सेस आपके अच्छे होते हैं, आपके पास थोड़ा सा ना वो यूथ का जो एक आपका जो आपको वो चीज मोटिवेट करती है। आई थिंक आप सही कह रहे हैं, रमीज राजा के हवाले से भी ये फैक्टर मौजूद है, बट मैं इसको एक क्रिकेटिंग फैक्टर के तौर पे भी देखूंगा, जो कि ऑब्वियसली रमीज राजा और मोहम्मद वसीम ने मिलकर प्लान किया होगा कि अब हमें मूव ऑन करना है। और ठीक है, हफीज अराउंड 39-40 है, तो मेरे ख्याल में अगर आप उनकी रिसेंट 6-8 महीने की परफॉर्मेंस देखें तो वो उस तरह नहीं है जो 2020 में थी, उनका 2020 बहुत तगड़ा था, और 2021 में वो अप एंड डाउन थे, तो मेरे ख्याल में मल्टीपल रीजन है, बट ये जो आप बात कर रहे हैं ये भी जरूर उसमें ये पहलू मौजूद था। अच्छा, हफीज से आगे बढ़ के थोड़ा सा पीएसएल के हवाले से बात करें। पीएसएल हमारा स्टार्ट होने जा रहा है लेटर दिस मंथ, तो पीएसएल के हवाले से थोड़ा सा हमें बताइए फ्रेंचाइजेस की क्या क्या तैयारियां चल रही हैं, क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। एनसीओसी ने 100% स्पेक्टेटर्स अलाउ कर दिए हैं, तो थोड़ा सा इस हवाले से बात कीजिए हमसे, हमें बताइए इस हवाले से। आज जिस पर हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं अली, तो आज ये हमारी बचपति जो है वो रमीज राजा साहब ने आज एक इजलास की सदारत भी की, उसको जी वो हेड कर रहे थे नेशनल जी कराची के अंदर, तो एक्टिविटी शुरू हो गई है, और हमें इस चीज़ का बड़ा आई थिंक फख्र होना चाहिए कि पाकिस्तान सुपर लीग के जो बाकी इंतजामी मामले हैं वो बड़े शानदार रहे हैं, चाहे वो नजम सेठी साहब के दौर में पंजाब गवर्नमेंट के साथ मिलकर जब हुए, सिंध गवर्नमेंट ने भी उतने अच्छे इंतजाम किए, और मुल्तान में भी, पिंडी में भी, लेकिन जो सबसे बड़ा खतरा है अगेन वो कोरोना, और अब तो ओमिक्रॉन। और मेरी अपनी जो मुझे एनालिसिस लग रहा है, मे बी आई एम रॉन्ग, अल्लाह करे मैं रॉन्ग हूँ, मैं तो ये खुद कह रहा हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि जिस तरह के हालात बनते जा रहे हैं
और एसओपीस वगैरह के ऊपर बात आ रही है, मुझे लगता नहीं है कि 100% क्राउड शायद अलाउ होगा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसको डिक्रीज किया जा सकता है, क्योंकि अगर आप देखें तो ये जो वेव है ये बतदरीज बढ़ती है। पाकिस्तान में इसका पीक जनवरी एंड या फरवरी ही बताया जा रहा है, और मेरे ख्याल में ये समझदारी ही होगी कि आप चीज़ों को इस एंगल से भी देखें, सिर्फ क्राउड एंगल से ना देखें। सेहत और आपकी सेफ्टी से बढ़कर कुछ नहीं है। दुनिया भर में डिजास्टर हुए हैं, भारत में तो आपको पता है एक ज़माने में अनकंट्रोलेबल हो गया था। तो मेरे ख्याल में क्राउड होगा ज़रूर वहीं। और आपको पता है 27 जनवरी से ये लीग शुरू होनी है, आई गालबन 15 जनवरी के बाद से कराची में एक्टिविटी भी शुरू हो जाएंगी। मोस्टली टीमें 20 तारीख से अपनी चीज़ों को शुरू कर देंगी। और आपको पता है कि अभी तक के प्लान के मुताबिक आपके 2 कोविड टेस्टिंग 72 आवर्स में ज़रूरी हैं, एक आपका अराइवल पर है। तो आप वही 3 दिन वाला एक मामला रखेंगे जो से आपका जो आइसोलेशन है, क्वारंटीन है। तो यस, वेरी एक्साइटिंग, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग हमारा सबसे बड़ा ब्रांड है। लेकिन भाई मैं बार बार कहूंगा हमें बहुत मेहनत करना पड़ेगी। 2 मरतबा हमें झटका पहुंचा है, फिर वेस्ट इंडीज वाला मामला जो कि शायद हमारे वो इतने प्रॉब्लम नहीं थे, वो वेस्ट इंडीज की टीम ट्रेवल करके आई थी। बट मुझे लगता है कि हमें सीखना पड़ेगा हमायूं जो पीछे सब हुआ है, बायोसिक्योर हो, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, सेल्फ पुलिसिंग खिलाड़ियों की हो, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई हो, आपने मेरी बात याद रखनी है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी ट्रैवलिंग ही है। अगर आप भी आपके प्लेयर इंडिविजुअली आकर स्क्वाड्स को ज्वाइन कर रहे होंगे, और ये एक बड़ी अजीब बीमारी है इसमें प्लेयर्स, अगर आपको याद होगा भाई, वेस्ट इंडीज की टीम पहुंची थी गालबा 9 दिसंबर को, चार जी टेस्ट पॉजिटिव हुए, उसके बाद सीरीज हो रही थी, बट 15 को फिर 4 आ गए। तो ये इंडिकेट करता है कि ये बीमारी आपको धोखा भी देती है। शायद आप पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएं वट एवर, लेकिन आप किसी और में ट्रांसफर कर चुके हो, वो 3-4 दिन बाद उसको अलामत आ जाएं। तो मुझे लगता है कि आपको बहुत जबरदस्त किस्म की प्लानिंग करना पड़ेगी, प्रिकॉशनरी सब मेजर्स लेने पड़ेंगे, इसी पर हम लीक करा सकेंगे। देन एंड देयर कुछ नहीं होने वाला फिर। ठीक है तुफार भाई, थैंक यू फॉर योर इनपुट, और बहुत अच्छा लगा आपसे इन दोनों इश्यूज पे बात करके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में फिर हम आपको एज एन एनालिस्ट आपको तकलीफ देते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।